हेलो गाइस, मैं कश्यप, वेलकम टू आवर चैनल टुडेज न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे दो सुपरस्टार्स के बारे में। एक तरफ बात करेंगे जॉन अब्राहम और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के बारे में। दोनों एक्टर्स दर्शकों के बीच काफ़ी इंटरटेनिंग फिल्में लाते रहे हैं, लोगों के दिल पर काफ़ी राज किया भी है। जहाँ अल्लू अर्जुन साउथ में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और साउथ की फिल्मों को काफ़ी हिट करते हैं, तो दूसरी तरफ जॉन अब्राहम देशभक्ति फिल्में ला के काफ़ी लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोनों ही एक्टर्स के बारे में कुछ बातें जानने से। अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म 2003 में आई थी, जिसके बाद उन्होंने 20 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जिनमें से 6 ब्लॉकबस्टर, 12 सुपरहिट फिल्में और 0 फ्लॉप फिल्में रही हैं। उनकी 3 मूवीज अभी भी अपकमिंग हैं। और दूसरी तरफ उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए हैं जॉन अब्राहम, जिनकी पहली फिल्म 2003 में आई थी जो थी जिस्म। उसके बाद उन्होंने 40 से ज़्यादा फिल्में की, जिसमें से 10 सुपरहिट, 3 हिट और 10 से ज़्यादा फ्लॉप फिल्में रही हैं। जॉन अब्राहम अपनी एक फिल्म के लिए 5 से 15 करोड़ तक चार्ज करते हैं, तो दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अपनी एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ मांगते हैं। अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ है 70 मिलियन और जॉन अब्राहम की नेट मिलियन है 15 मिलियन। बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की। अर्जुन अल्लू को मिले 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और इसी में नाकाम हुए हुए हैं जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन जॉन अब्राहम दर्शकों के बीच देशभक्ति फिल्म से काफ़ी दर्शकों को लुभाते हैं। एक्शन देखकर काफ़ी, उनकी बॉडी को देखकर काफ़ी लड़के इंस्पायर होते हैं। आपके कौन से हैं फेवरेट एक्टर्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक्टर्स के ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।